वचन पाओ जंतर मंत्र लिखे हुए है उन्हां दे विच एक विच तारियां दी आकाश दी चंद दी सूरज दी गल लिखी हुई है एक वर्मा दे विच एक चौथे ग्रंथ च लिखी है शिव जी दी वर्मा ने आप दी ते विष्णु दी नारद दी गणेश दी एक गल्लां लिखी है ते कलयुग विच अपने बाबा जी गुरु नानक साहब पातशाह ने वो बाणी चारण की जो कलयुग जीवां नूं भवज नूं पार करन वाली है। अज कोई रोज नेता प्रति बाणी पढ़े इहदे विच सारा कुछ ही है। गुरु जी कहिंदे परमेश्वर दिता, ये परमेश्वर ने दिता बन्ना, जाने हजूर पातशाह ने परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिता बाणी नूं। बाणी परमेश्वर का रूप है। एक कलयुग विच बन है, एक कलयुग विच अकाल पुरख का स्वरूप है बाणी। बाणी निरंकार है। अगो गुरु जी कहिंदे जो भी इस ते पूरे ख्याल नाल अमल करेगा भी बाणी गुरु का रूप है, अकाल पुरख का रूप है, निरंकार है। गुरु जी कहिंदे दुख रोग का डेरा भन्ना, बहुत ख्याल दे नाल हौली सहज ना विचार ना बाणी पढ़नी चाहिए। गावो जिते गाने आ गुरु जी कहिंदे नाल बाणी नूं सुनो, सुनाओ ना। गुरु जी कहिंदे सुनने वाले दे हरेक दे कन्न आपे सुनो, हरेक सुनी जांदा है, सुनाउण दी लोड़ नहीं, सुनिया तां आपे ही जांदा। गावो सुनो पढ़ो, गुरु जी कहिंदे आप ही पढ़ो। गावो सुनो पढ़ो नित भाई, नित हजूर कहिंदे मेरे भाई गुरपूरा पूरे गुरु ने ज्ञान शब्द अभ्यास प्रकाश हजूर कहिंदे पातशाह जी। गुरु महाराज कहिंदे पातशाह भी बाणी ने फिर की बख्शिया, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करो जे दुखी ना रहा, आनंद करो नर नारी। हजूर पातशाह जी कहिंदे कलयुग जीवां दे तार नूं हिंदू धर्म विच भी थोड़ी नफरत है, मुसलमान मत विच भी इस्त्री जिहड़ी है बेगम है वह मसीत विच जाके नमाज नहीं कर सकती। हजूर ने सांझा वचन किया मनुखता नूं, सारयां नूं सांझा। गुरु महाराज फरमान करदे हन, गुरु जी कहिंदे सच्चे पातशाह आनंद करो नर नारी, आनंद करो नर नारी, हर हर प्रभु कृपा तारी। हरि दा नाम जपण वाला हरेक जगह ते जिथे मर्जी जप लो, हजूर कहिंदे उत्थे ही कृपा है, कोई भरम बहम करन दी लोड़ नहीं भी इधर नूं मूंह करां जां इधर नूं पिट करां जां इधर नूं ना। गुरु महाराज कहिंदे पातशाह आनंद करो नर नारी, हर हर प्रभु कृपा तारी, उत्तर दक्षिण पूर्व पछम उहदी कृपा सारी ही वसदी है।
पर एक वचन करिया पातशाह जी ने अगे, आनंद करो नारी गु हजूर कहते पातशाह, आनंद करो खुशी करो, मानस जामा मिले उस प्रभु दे गुण गाओ, हुण ढिल ना करो। हजूर कहते आनंद करो नर नारी हर हर प्रभु कृपा धारी, गुरपुरे की बाणी जाप आनंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो भाई। हजूर कहते पातशाह झूठा ना सिमरो, गुरु महाराज कहते आनंद करो नर नारी हर हर प्रभु कृपा धारी। हजूर पातशाह जी कहते उहदी सारे थाई कृपा, संतो सुख होआ सब थाई, सब थाई सुख है। गुरु महाराज कहते बाबा नंद सिंह कहते कलयुग नूं आप अनाउंसमेंट कर दे, जे बाणी पढ़े अमृत वेले उठे इशनान करे। एक बार एक प्रेमी ने बेनती की थी, बाबा जी रात को जहरीले सपने बड़े आउंदे आ, कदे सप्प दीदा कदे टट्ठा दीदा कदे झोटा दीदा। बाबा जी कहिंदे वार ला के पिया करो। कहिंदे जी वार तां लग्गिया हुंदा। बाबा जी कहिंदे किन्ना भरमा तैनू भी कित्थों दी बढ़ जांदा, कंध तां टप्प ही नहीं सकदा झोटा ना टठा, ये क्यों गल बनती है। कह लगे जी तुसी वेखो, बाबा जी कहिंदे अमृत छकिया तुसी वेखो। बाबा जी ने की वेख्या अपने पातशाह ने, अमृत छकिया जी अमृत तां छकिया नहीं। बाबा जी कहिंदे कोई धर्म स्थान ते कहिंदे कित ना कित साल छे महीने, बाबा जी कहते लै तू कलगी धर दी मोहर ला। बाबा जी कहते नितनेम करया कर, जो नितनेम करेगा रोज बाबा जी कहते कलयुग वास्ते बार लग जा करू, कुंडा लग जू, नितनेम कुंडा है कलयुग वास्ते। इतों तक बाबा जी कहते कदे तेनू माड़े सपने नहीं आउणगे, भूत प्रेत नहीं आवेगा, नितनेम करके पै इन्नी ताकत है नितनेम च, दुश्मन भी तेरे नेड़े नहीं आवेगा। बाबा जी कहते मैं माण करके कहना गुरु नानक की गद्दी ते, बाबा जी कहते जम भी तेनू नहीं लेके जाणगे जिहड़े नित नेम नाल नित पाठ करदे। सत वचन आखिया समा पिया। बाबा जी कहने सुना, कह लगा जी जानी जान। बाबा जी कहने असी तो चलो तुसी कहने जानी जान, बाबा जी कहने जानी जान का की पता। कह लगे किते किते रात नूं आप जी दे दर्शन हो जांदे आ। बाबा जी कहने लग्या ना बार आ वेखो नित नियम गुरु धार लेना चाहिए। रावरिया सब नहीं जाई, जिते रावण उत थोड़ा जा गुरु जी कहते रवि रिहा, रवि है रोशनी, जो सूरज चढ़ता ज चंद्रमा चढ़ता उन्हें रवि आख्या, रवि हो गया। बहुत भगतों का ना रारे अखर ते है, जिमें रामचंद्र है, चंद्र ना ता है चंद का, उहदे पुन्निया का चंद सीगा जदों राम जी का जन्म होया, उहदे रवि हो चुका सी जानी रोशनी सी, उहदे रोशनी गुरु रामदास पातशाह का जिदे अवतार सी उहदे पूर्णमाशी सी, जिदे बाबे नानक का अवतार दिहाड़ा होया उहदे
ਉਹਦੇ 76 ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੂਰਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੱਕਰ ਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾੜਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਤਾਈਂ ਸੁਧੀ ਰਹੀ, ਬਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਈ, ਸੁਧੀ ਰਹੀ। ਸੁਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ 76 ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਪੂਰਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਦੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਿਆਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਪੱਤਰੀ ਵੇਖੀ, ਵੀ ਲੱਗ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਸੁਧੀ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਸੁਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ 76 ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਨੰਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਊ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰੋ ਜਾਓ, ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 76 ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਸੰਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਜਾਣੀ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਬਣੇ, 76 ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਆਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਰੋਆ, ਨਾਨਕ ਨੇਚਾ, ਨਾਨਕ ਨੌ ਖੰਡ, ਨੌ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨੰਨਾ, ਨੌ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਦਾ, ਸਤਿਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਰਹਿਣਾ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿਵਚਨ ਆਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਠਾਠ ਪੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ,
ते कापी लिखा लिए शब्दां वाली। बाबा जी कहिंदे गुरु सानू पुछ लो, जो सवेरे हुक्मनामा आया ना, बाबा जी कहिंदे जिवें गुरु साहब कहणगे उवें करिओ। वेखो हुक्मनामा आया, बंदना हर बंदना, बड़े भाग भेटा गुरदेवा, कोट अपराध मिटा हर सेवा। बाबा बाबा जी कहिंदे वाह वी वाह। बाबा जी कहिंदे गुरु साहिब ने इह कीती। बाबा जी कहिंदे कोट अपराध मिटा हर सेवा, चंगा कर ला सेवा। गुरु साहिब ने मोहर ला दी तेरे करोड़ा अपराध। बाबा जी कहिंदे कट्टे जाणगे। शब्दां दीआं कापियां लिख दिया कर, छापा नहीं सी हुंदा, उहने कापी लिखती। कापी लिख के तां लिख गिआ सारे प्रमाण। आज जी मर्यादा चलाई ना बाबा जी की, ये बहुत औखी है। जो धन बाबा दे प्रमाण है, जां भोग दे शब्द है, जां होर अरदास है अपने घर की, ये सारी हजूर साहब की मर्यादा है, जो बख्शिश है। हजूर साहब के खालडे दे नाल बाबा जी की मर्यादा मिलती है। इत मैं थोड़ी बेचारी बाली नहीं रखता। इतने जो तो सरमन कमेटी बनी है ना, संतों तो महापुरशा तो महंतों तो गुरद्वरे लए है, कब्जे किए है, उदो फिर संतों का नाँ कढ़ता अरदास चो, अरदास चो। तो उदो आप जी नूं भोग लगे भी अरदास कढ़, अरदास दे विचों कढ़ता। एक बार बाबा जी ने मास्टर तारा सिंह कहा, तुम क्या करो गुरु साहब नूं आप जी नूं भोग लगे। मास्टर तारा सिंह कहिंदे अच्छा, गुरु का जूठा खालसा खाऊगा? एवं आख्या, गुरु का जूठा खालसा खाऊ? बाबा जी कहिंदे मास्टर जी गल याद करो। बाबा जी कहते ना तुसी इत्थे टिकना, ना तुहानू गां थां टिकण नूं। बहुत माड़ी गल आखी, गल ही बनी सास। इस करके सास अपने घर विच कह जांदा आप जी नूं भोग लगे। हजूर साहब कह जांदे जी सच्चे पातशाह, उत्थे भाई दया सिंह मौके श्री गुरु गोबिंद सिंह दा खालड़ा तैयार है, पुरातन मर्यादा तुरी आउंदी आ गुरु नानक तो लेके। ये मेरे इत्थे मर्यादा खालड़ा होर बनाया संतां दे घर, अरदास संतां दा, भगतां दा, होर भी बहुत है। चलो आपां इधरले पासे ना जाइए, ठीक है। उदों ये मंजूर नहीं सी होया, पर फिर बिच रहण वालिआं ने उवें प्रचलित मर्यादा तोड़ ली, मर्यादा उवें चल पई है। इस करके साध संगत जो सतगुरां ने कृपा कीती है, मैं वो विचार कर रहा सी बदी सुदी दी। ये बदी सुदी चली गौतम ऋषि तो, गौतम ऋषि ने श्राप देता सी, पूर्णमाशी का चंद्रमा चढ़िया सी, पूरा चंद्रमा हुंदा सी, पूरा चंद्रमा, ते गौतम ऋषि गोदावरी ते जांदा सी शिनार करन। ते इंद्र देवते ने चंद्रमा नूं कहता भी तू पहला चढ़ जी, ते गौतम ऋषि जाऊगा गोदावरी ते, ते मैं माड़ा कर्म करना अहल्या दे नाल। अहल्या सी गौतम ऋषि दे घर वाली, उदों बदी सुधी नहीं सी, सतयुग सी। ते पर चंद्रमा ने हाँ करती, पर करनी नहीं चाहिदी सी। हुण भी ख्याल रखियो, जे तैनूं पाप वाले पासे नूं तोड़े, सोचियो ध्यान धरियो हजूर दा, उस पासे बचियो। उस टाइम ते साध संगत पर मैं थोड़ी जी विचार ही रख रहा, उस टाइम ते कुक्कड़ अमृत वेले वांगा दिंदा,
बाबा फरीद जी कहते भगत ने मंदे जेड़े दित्तियां बांगां तो नहीं जा बांग दा बांग बोली कुकड़ दी है भाग उन्होंने माड़े जेड़े दित्तियां बांगां तो नहीं जा कुकड़ बांग दिंदा सी अमृत वेले इंद्र देवते ने आपदे बल दे नाल कुकड़ नूं सद के आख्या तू बांग पहला दे दी कुकड़ भी आखे लग गया उन्हें पूछया नहीं क्यों उहदा ज्यादा प्रताप सी इंद्र देवते का भावें किन्ना भी होवे पूछना चाहीदा ते की आख्या एक चंद्रमा गौतम ऋषि को दो ही निशानियां सी टाइम पीस ते जो चंद्रमा चढ़ गया पहलों ही चढ़ गया उधर कुकड़ वांगा देने लग गया गौतम ऋषि लैके धोती ते भज्जिया ओह मेरी अख डागी टाइम लंघ गया गदावरी दे गया उत्ते गदावरी उदों तां पानी चलदा सी ते गायत्री दी पूजा सी गऊ दी पूजा हुंदी सी उदों उत्थे हवन पैंदा सी ओह टाइम ते सात संत जिहड़ा पूजा करन लगे ना इशनान करके ते गदावरी दे विच आवाज आई भी गौतम ऋषि तेरे घर नूं डाका पै गया तेरे ना धोखा करता चंद्रमा ने ते कुकड़ ने ते छेती घर नूं जा गौतम ऋषि अध इशनान कीता ते अध पूजा करदा भज्जिया ओह टाइम ते माड़ा कर्म करके इंद्र देवता तुर चलिया सी ओह टाइम ते फिर गौतम ऋषि ने श्राप दिता इंद्र देवते नूं आख्या माड़ा कर्म करन वालिया ओए कोड़िया ओ देवता भी बनिया ते पर कोड़ भी खरीदिया माड़ा कर्म करन वाला बंदा कोड़ी हुंदा ते इंद्र देवते दे शरीर ते जे विशाप आउंदा ना बंदे नूं सौ भागा जानी सौ थाई पानी निकलदा कोड़ी बंदे दे सौ थाई पानी निकलदा अगला नेड़े नहीं जांदा ते ओह टाइम ते मैं कुकड़ नूं गया तू धोखा कीता बेड़े दियां वांगां खवेले दित्तियां कहिंदा मैनूं इंद्र देवते ने कहा सी कहिंदा माड़ा कर्म करन वास्ते तू क्यों आखे लग्गिया कहिंदे गौतम ऋषि ने श्राप देता कुकड़ नूं श्राप दिता भी तेरी राक्ष बंदे जंगलां च रहण वाले सब्जी दे थां तेरी धौण वढ के तेरी भुरजी बनाया करनगे तेरी सब्जी बनाया करनगे राक्ष बंदे ते बेले दियां बांगा कवेले देवेगा तेरा तवार नहीं करेगा तू कसाईयां दे ही मरेगा हुण कई साडे सिख भी चौड़े होके तुरनगे डकार लैणगे मेरा कुकड़ खादा वा भई तू मूंह शीशे च तो मूंह देख ला भी गौतम ऋषि ने एवी लिखिया भी राक्ष बंदे भी भवां तेरे कृपा तू कहिंदे सिख आ पुरातनता पढ़ के वेख किसे महापुरखां कोले बैठ के कई चौड़े हो गए भी तुरन गए मेरा कुकड़ खादा देखो भी खादा तो है ते खादा क्यों की बनिया ते मेरे भी की गया तू तो दागी हो गया ते चंद्रमा नु सद लिया गौतम ऋषि बहुत कमाई वाला सी चंद्रमा नु सद लिया आख्या तू बेले दियां वांग तू क्यों बेले चढ़िया टाइम तो बिना उन्हें आख्या जी गलती हो गई मैं इंद्र दे आखे लग गया गौतम ऋषि दे मोढ़े ते कहिंदे धोती सी उन्हें मूंह ते मारी गौतम ऋषि ने चंद्रमा दे कहिंदे किरत कण तेरा कोई इतवार नहीं करेगा लोग तैनूं मिट्टी वांगू मनणगे मिट्टी बनेगा आ हुण दा समय
ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਗੱਲ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਹੈ ਗੋਦਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਡਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਡਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਤਮ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੋਚ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਟੇਗਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਛਲ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਆਖਿਆ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਗੌਤਮ ਨਾਲ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤਕਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੁਧੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਦਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਜਨਮ ਲਏ, ਉਹ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਲਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਨਰਕਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਟੇਵਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਬਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਮੇਰੀ ਪੱਤਰੀ ਟੇਵਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੀਏ ਲੋਕਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਛੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਆਊ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਬਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਸਤ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਸੁਧੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੌਤਮ ਦਾ ਸਰਾਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਬਦੀ 'ਚ ਧਾਰਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਦੀ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ।
राम जी का समा बदी विच ही लंघ गया, बैर विच ही लंघ गया। ते बाबे नानक जी ने 98,000 को वाट कढ़ी, जिन्हें भी दर्शन किया बाबा जी ने पुठी रेखा तो सीधी रेखा करती, नछत्र ही बदल के रखता। अज अपना बाबा जी के चरणों के नाल जुड़ना बंदे का नछत्र ही पलटा आ जाता। जाने तत्वेत्या के बचन अपने बाबा जी के डूंगे अनुभवी वचन, ताई तक बाणी बिरलों विचार सी। जे को गुरमुख होए बाणी महापुरख की, गुरु साहब का शब्द है गुरु ग्रंथ साहब च, बाणी का महापुरख की है। निज घर होर किसी घर बस नहीं होंगे बाणी का, बहुत वधिया वचन है। इं आख्या हुणी मिटदी नहीं पीप कमरा तो, पर बाबा जी अवतार हन ताई तां आख्या सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला। अपने बाबा जी सर्ब कला सम्राट है, सच्चे पातशाह जीव भुलिया फिरदा, सरगण निरगण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही, दर्शन करके ही जाप चल जाता बंदे का। निर्गुण सरगुण भेदना कोई, एवें दुनिया भुली, निर्गुण भी वह है तो सरगुण भी वह है, कलाधार भी वह है। इस करके सर्व कला समर्थ है। क्यों राम जी 14 कला लेके आए, कृष्ण 16 लेके आए, 16 कला परशुराम 2 कला लेके आया, इवें बाबा नानक जी सर्व कला बने आई, प्रगट पई सगले जगंतर गुरु नानक की बड़ियाई। अज अपने बाबा नानक सिंह की बड़ियाई तां हो रही है, बाबा जी बैठे थे दवान च, धन धन बाबा नानक सिंह महाराज। ऋषिकेश का जिक्र है, ऋषिकेश का उत्थे सी एक ब्राह्मण, ते ओ सी गंगा राम बाई दे, ते बड़े विद्वान मन्ने पर बन्ने, इन्ने मन्ने पर बन्ने आ जो डायरिया ते लिखे होंदे ने वी चंद्रमा नूं ग्रहण लगू, ये पहले ही दस दिंदे आ, इन्ना उन्हां नूं अनुभव है। जां ग्रहण लगू जां कोई आ गल बनू पहला पता लग जाता सी। पर वो बैठे से जिते राम जी का झूला, उत्थे आश्रम से उन्हों का आश्रम, उन्होंने देव ने तो टेवा लाया भी अज की रोज़ वेहते से रोज़ की होऊ, सुबह तो शाम तक की होऊ। उन्होंने वेख्या, उन्होंने वेख्या अज दोपहर तकर राम जी के झूले के दर्शन करन वाले यात्रु 6 बंदे डुब जाणगे, डुब जाणगे। ते अदास होया वा ते रात नूं बाबा जी कोले आया, बाबा जी कोले, बाबा जी का दवान सा जी अपने पातशाह दवान च बैठे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने बैंदे सन। आईम आई दवान हुंदा, आई मर्यादा, आह मर्यादा उही है। ते उत्थे उहने आण के बाबा जी कोले मत्था टेकिया, भगमी धोती सी, भगमे तरले वाली पग सी, लाहौरी चोला पाया सी भगमा, ते बाबा जी कोले आण के मत्था टेकिया। ऐ संगतां दे बाहरले पासे बैठा, बाबा जी साधु दा बहुत सत्कार करदे सी, बाबा जी कोले वहारे ने देवते दी सभा दे विच ही शहरा कीता, आ जाओ बाबा महापुरशो आ जाओ। उन्हों का फुरना सी जो बाबा जी को आए, बाबा जी कहने संत मिले कुछ कहिए सुनिए कोई बचन, वो कहने बचन करन आए हैं। बाबा जी कहने अच्छा की बचन है, वो कहने बाबा जी कृपा करके दसो भी कल नू की हो।
कल सुबह तो शाम तक की हो। बाबा जी मुस्करा के कहते मैं कोई ज्योतिषी हाँ, मैं कोई विद्वान, तू ज्योतिषी है, तू विद्वान है, तेनू पता है। कह लगे जी मैनू तो पता, मैं तो पूछे भी कल होगी। बाबा जी कहते मैं तो किले घड़न वाला तरखाण है, गनाह बछाने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के मूहरे बैठा, आईना पढ़ता पाया, मैंने तो कुछ नहीं पता। कह लगे मैं सुनया भी आप तत्वेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी होनी बदल दिता। बाबा जी कहते कोई दस पाई जे तेन ब्रह्म ज्ञानी मिले। बाबा जी कहते मैं भी दर्शन कर लूंगा, नहीं तो अज मेरे अंगू कंधा ही भरिया ब्रह्म ज्ञानी ने, खंबा भी नहीं कोई वेला। वेखो ते की आख्या, कहने बाबा जी एक बेनती है, मैं आसवंद होके आया तो कृपा दे घर में आओ भी कल की होगा। बाबा जी चुप सी, उन्हें फिर बेनती की, कह लगे जी कृपा दे घर में आओ भी कृपा कर कल की हो। बाबा जी कहते ना तो मैं विद्वान ना ज्योतिषी ना मैंने पता कल की हो। बाबा जी कहते सामने मेरा गुरु नानक बैठा है। बाबा जी कहते मैं हाथ जोड़ के गुरु नानक की गुरगद्दी ते माण करके कहने भी जेड़ा जा कल हो नहीं होगा, गुरु नानक की गुरगद्दी ते माण करके कहने जेड़ा कल नहीं हो कल होगा वह नहीं होगा। मत्था टेकया, हैरान हो गए भी मेरी ज्योत तो झूठी हो ही नहीं अज तक। चलिया गया सवेरे सदियाई चले गया, वही गल हुई छे यात्रू बेड़े च आए, तूफान आया, हवा तो आई चार चार फुट छल आई, ते बेड़ा सस डोलिया, ते बेड़ा कदे इधर कदे इधर, ते ज्योतिषी जी कहन हे डुबिया बाह हुण डुबिया, ऐ मेहंदिया मेहंदिया, ते बेड़ा जा किनारे लग्या। जो किनारे लगन लगे एक बंदा बिच डिगया, पर उन्हें तरना आता सी, दवा दवा बाहर निकलिया, घर नूं हथ पा गए, छे दे छे बाहर आए, उठ के कहना उरी आओ, कहना इत्थे इक रब उतरे धरती तो, मैं कल बर लिया सी ते उन्हां दी कृपा नाल तुसीं बचे हैं, पर तुहाडी मौत सी आ मेरे कोल टेवा लिखिया होया लिखिया होया। वह कहना होनी पीर पकंबरा तो नहीं बदल जाती, ये पकंबर का पकंबर है, पीरां का पीर है, नाथा का नाथ है। शाम का दवान सजा सी, ए शांति का सोमा, बड़ी पुलिस पलस कोई पैरा पूरा नहीं, नहीं मस्त फकीर मस्ताने रेंदे, छड़ के दुनिया के झगड़े झेड़े, फकीर सोई जो फिक्र ना कोई मूह आई। जो मूँह तो बोलते रब्बी बाणी बोलते हो, बाहे जात नहीं बोलते, मोह आई रब्बी बाणी इं आख्या। तो बाबा जी को आया, झोला किताबा का भरिया वा, तो ठा देने मारिया बाबा जी को, हजूर सुनहरी नेत्र खोले, तो बाबा जी कहते की है, कहने जी बस ये इतों तिकर है, ये विद्वानी है, इदू गां तुसी हां, इदू गां ये बर्मा तो गां तुसी हैं, इं आख्या। बाबा जी कहते कोई खुल के दस, कह लगे जी हो गई मेहर। वो भी आए है, उन्होंने भी आख्या जी असीं तां मरे सी मरे। बाबा जी कहते मैं तो कुछ किया नहीं, बचोला तुहाडा तकड़ा, इं आख्या। बाबा जी कहते बचोला तकड़ा होवे, बाबा जी कहते रिश्ता चंगा हो जाता। आप दे आप बाबा जी निकलते ही रहे। देखो अज साडा पूरा जोर लगे भी मैं प्रगट होव, पर बाबा जी का पूरा जोर लगे मैं गुप्त रवान।
गुप्त रमा देखो बाबा कर्मा वाले पाठी से भी कर्मा वाले है जानी ऐ रहते भी सारे ही कर्मा वाले आप जो बैठे हूँ कोई बेकर्मा वाला दिसदा ही नहीं गा बी जी ने बदी सुधी बदलती बाबा नंद सिंह ने बाबा जी कहने जो कल हो या नहीं हो वह बिरले साधु होंगे है हूँ तो आपको पता ही नहीं लगता भी कल की हो पता लगता है कई मेरे वर्ग तो डॉक्टरी ना रखी बैठे है जी पता नहीं दिल्ली जाऊँ खोनी पटके करने पैनी राह कई डॉक्टरी ना रखी बैठी है कई बस आपा ना इधर बह जाइए आप भी समझ लिया करो डूंगे बैठे पढ़े लिखे बैठे हैं जिन्हें तकिया भरोसा गुरु नानक दे नाम दा बेड़े होए पार उन्होंने गुरमुखो उन्होंने बेड़े पार होए इस करके मैं विचार तोरी सी परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करो हुण पर गुरु नानक दे नाल ही है आनंद करो नर नारी हर हर प्रभु कृपा धारी संतो सुख हुआ सब थाई हजूर कहिंदे है संतो महापुरख जिहड़े बनना चाहुंदे ने भी मैं महापुरख मैं भगत बनना मैं सेवा करनी है मैं सिमरन करना मैं होर कुछ नहीं करना मैं तो इधर उन्हूं गुरु जी कहते संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर ये एडा वड्डा बाबा नानक इहदा नाम एडा वड्डा है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रिहा सब नहीं जाई गल रवि ते चल पई सी रवि रिहा सब नहीं जाई कई शंकिया करदे वी थाई लिखना सी बाबे नानक ने इते जाई लिखिया गया हुण की आख्या पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर जिन्हां ने पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर गुरु नानक नूं पछाण लिया ना रब रहा सबनी जाई गुरु जी कहते मेरे पुत है मेरे जाए है जेडे मेरे जाए है ना गुरु जी कहते मैं उत्थे रविया वा है उन्होंने बिच चौंकड़ा बजिया मेरा रवि रहा सबनी जाई जाई का अर्थ बनता मेरे जाए है जिमें बच्चा होंगे ना गऊ का जाया सिख गुरु का जाया है आप गुरु नानक दे जाए आ अकाल पुरख दे जाए आ गुरु नानक होर कितें नहीं जाता बाबा जी के वचन है गुरु नानक अपने प्यारियां च रविया होया है बहुत डूंगा वचन है जै जै देखो तै हजूर दूर का तू ना जाई आ वेखो रवि रिहा सबनी रव रिहा सर्वत्र में सारे थाई व्यापक है रव रिहा सर्वत्र में मन अरदास करो किनका लेके जाओ मन समझाया करो चौबी घंटे मन सदा त्याई मना सदा त्याई जे सदा त्यावेगा ईद उतना बिछड़ा है हजूर कहते ना मात लोक विच ना दरगाह विच ईत मात लोक नू आख्या ऊत दरगाह नू आख्या ईत ऊत ना बिछड़ा है सो संगी गणिया आपां उहनू संगी बनाईए आपां उहदे संगी बन जाइए बाबे नानक दे बस सिरे दा वचन है अपने काम आउण वाला है इस करके बहुत वड्डे भागां वाली संगत है गुरु नानक साहब पातशाह जिहड़ा नन्ना अखर बदलिया पहला रारे ते रमदास भगत होए बहुत ना जानी उदू पहला रारे ते रखे गए पर हुण जिहड़े मैं उत्थे दृष्टांत दे जे कापी लिखी ना मास्टर जी ने ते बाबा जी कोले पुताया बाबा जी बारह दरी सी
उन्हें आड़ा पाता आनंद सिंह ना पाता ज्ञानी सपूर सहित बदनी वाले। बाबा जी कहते नहीं आ की करी बैठा। बाबा जी कहते आड़े का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। बाबा जी कहते हजूर ने आप आड़े नू मेटिया पहनना। बाबा जी कहते असी गुरु नानक दे विचो आए नंद। बाबा जी कहते साडा नछत्र गुरु नानक है। ये आखे नंद सिंह। बाबा जी कहते असी भी गुरु नानक की गोद चो आनंद दे विचो आए हैं। गुरु नानक दे विचो आए हैं असी। ते बाबा जी ने अखर आप दिया। बाबा जी कहते आड़ा नहीं पाउणा। ते कई ने ना आड़ा पा दिता भी आनंद आनंद वह भी आए से। बाबा जी पुछो वाले बाबा जी कह लगे हड़प्पे की धरती से जाया 12 साल बाद आए। तो बाबा जी पुछो वाले गलफड़ी पा के मिले मिल के ताड़ी मार के कहते आनंद सिंह आनंद हो गया। इना वचन करया वो फिर किसी ने ना गुरु प्यारे ने मैं नाम का तो पता है पर उन्हें लिखता जो श्री श्री राम जी है उन्होंने लिखता भी पुछवाड़ा ने आनंद सिंह ना रखिया। पर नहीं वह तो ऊ वचन करता आनंद सिंह इं आखिया अज आनंद हो गया इं आखिया। पर बाबा जी ने इं वचन लिखिया। बाबा जी कहते साडा ना आनंद सिंह नन्ने ते रखना है आड़े ते नहीं रखना है। अज कई ने बिच आड़ा भी पाता पर आड़े का कोई अर्थ नहीं बनता। नन्ने का नछत्र है बाबा ऐसा नछत्र 98,000 को वाट कढ़ी बाबा नानक जी ने। बाबा जी ने ते बाबा जी एक पिंड च तुरे आ रहे सी नाल भाई बाला मरदाना सी दिन छिप चुका सी एक जिमीदार उहदे घरवाली खेतों कट्ठे आ रहे सी हाल सी ते बलद सी बलद जो खेतों आ रहे सी ना बाबा जी लंघन लगे माड़ा जिहा नेरा हो रहा सी। भाई बाला जी थोड़े जिहे मूहरे सी पासे ते मरदाना मगर सी हजूर विचाले सी ते चाणको जिमीदार दी निगाह विच पए की पए बाबा जी दे चरणा तो लाके सरतकर प्रकाश पै रहा सी। प्रकाश पै रहा सी उन्हें आख्या करमा वाली होवे साधु कैसे साधु है अजीब ही है प्रकाश पै रहा। रुक गए खड़ गए बलदा नू खड़ा लिया हाथ जोड़े पैर जोड़े नेता जोड़े सुरती जोड़ के मथा टेकिया भी शुक्र है। अजीब महापुरख है ते बाबा जी गां ना कोई वचन नहीं होया। बाबा जी गां नांगे जद गां नांगे ना ता उस टाइम ते वो घरे चले गए ते बाबा जी दे गुण गाउंदे ही गए भी शुक्र है अज दा समा मिले आपां नू। ऐसा कोई महापुरख नहीं वेख्या दुनिया ते अपना शरीर अपनी अखां हथ पैर धानी है इउं आख्या। ते रात नू जिमीदार नू दृष्टांत की आया जमदूत आ गए लैण वास्ते जानदूत जो लैन आए ना तो जिमीदार के अंदर गुरु नानक का प्या ठाठा मारदा सी भी अज का दिन शुक्र है करमा वाला है वेखो। तो सास उस टाइम ते जम जो नेड़े संगल पाउण लगे तो जमा नू प्रकाश दी ता उहदे च प्रकाश आया बाबे नानक का यह आ जाता है। कोई बनाओ उवें भावना उवें श्रद्धा बनाओ कमाई करो ते सास संद वेखो
जिस टाइम ते जम नेड़े आए ना, जमन दिसना ही बंद हो गया। धर्मराज को चले गए। धर्मराज कहना मूर्खो खाली आने टाइम तो लंघाता तुसी। वह कह लगे जी जो असं नेड़े होंने तो सानू दिसना बंद हो जाता। धर्मराज ने सुरती जोड़ के आख्या कहना मौके दे अवतार ऐ टाइम ते नारायण अवतार इन्हां नूं तुरियां जांदियां जांदियां गुरु नानक दे दर्शन हो गए। उन्हां दी कृपा इन्हां दे शरीर दे हिरदे विच वस गई। रवि रिहा सवनी जाई कोट करिया करो, मत्था टेको वधिया चक्को ही ना सर। उत्थे फिर गुरु महाराज ने शब्द लिखिया जो गल बनी ना। गुरु जी ने आखिया तारिया जहान लाया अवमान तुरिया जाने जिन्नी दर्शन ब दर्शन ही पायो। जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तदनू आवेखो जिन्नी तदनू धन कहा तिन जम नेड़ ना आया। जिन्नी सिर्फ धन ही गया महाराज उन्होंने जम नेड़े नहीं आवेगा कदे भी नहीं आवेगा। ये उरां-उरां बैठी है लोग फोटो है जी ये पता भी किहदा फोटो है। फोटो तो फुटन वाली चीज होंदी है। ये तो सरूप है गुरु नानक का देख सरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटता उत्तरी पख। दास ने हजूर के दर्शन किए बाबा जी दे बड़ा का कट सी काट बाढ़ का जिक्र है। बाबा जी कहते भाई इतों सब कुछ मिलता है। रात का टाइम भी वचन हो रहे इं वचन करते बाबा जी कहते भाई इतों गुरु नानक भी मिलते। किड़ा साधु कहना गुरु नानक मिलता देखो की कहते गुरु नानक भी मिलता। हाँ भाई इतों गुरु नानक भी नाल जावड़ता। असी बेबे दे ना गोडे ते हत्था मारे बेबे नूं आख्या आपां गुरु नानक लिख जाणा इउं आख्या। चलो समा पिया सारे नूं पता है बच्चन दी समझ आपे ही कर लिया करूँ। तो बाबा जी ने ऐसी कृपा कीती ते पहला भी ध्यान धरते सी साडे किताबां दे विच भी सी ते साडे लवारी दे विच मगर भी रख्या सी छोटा जिहा गुरु नानक का सरूप। हजूर की कृपा सदका 53-54 का जन्म होया ते बाबा जी की मेहर उदू 10 साल बाद फिर सरूप के मूहरे बैठना। उदू बाद 10 साल बाद सरूप के 63-64 च सरूप के मूहरे बैठन लग गए। वह सरूप के दर्शनों का प्रभाव इन्ना है मेरा ख्याल है भी तुम आप ही समझ लो मेरे कहने की लोड़ नहीं। अपनी बड़ियाई करनी आपके सिर च आप डांगा मारनिया नहीं बाबा जी मेहर इतने गुरम प्यारे सारे खड़े से असं अंदर संगत पता चुके सी ते बेरा भी बहुत सी डिग डुग भी करता शरीर रहा नहीं जाता झूठ बोलिया नहीं जाता वेखी का फड़िया गया। हाँ हुक्म आ बाबे जी का आपां नूं कोई आसरा नहीं है होर इको तकिया आसरा तेरा बाबा जी की मेहर है ते साध संत बाबा जी कृपा की। असी परले बार बार भी चले गए गुरु प्यारे धानी है पहरे वाले होना भी यहोजा ही चाहिए। कहने बाबा जी एक मरीज है बीबी पई है गड्डी तड़फदी है ते साड़ी तो कोई पावर नहीं मैं तो मूर्ख जवाब दे सकता सी। उस शरीर की हालत सी ढिला बेरामी। असी फिर बाहर आ गए मैं चल लिया खड़ा ही जाता सी गुरु प्यारे ने मेज रखता से बह गए स्टूल जे ते बीबी पई गड्डी नेड़े लाती ते जो हजूर आपां नूं आसरा कहड़ा हजूर का मैं तां वचन कर रहा तुसीं भी बनाओ गल इन्नी हो मैं नहीं कह रहा मैनू है नहीं कुछ लेके जायो
निशाना ते ध्यान धरिया ते मेरे ते गुरम प्यारे नूं पता है जे इहो जी साखी बनाउणी होवे तां रोज दी किताब पढ़ सकदी है। उन दस्सिया सारा पहरे वाले कोले सारे एवें तां नहीं फिरदे घर बार छड के एवें कि बिना तनखाह तो तनखाह यही है भी ताड़ना ही है ताड़ना की तनखाह होर कोई तनखाह ही है नहीं ते तनखाह भी मालक दी होए ताड़ना ते बाबा जी की मेहर होई जो दो मिनट वेख्या तो बीबी कहती वो माँ प्यो नाल सी ते मैं पूछो प्रसाद दिता वह बीबी कहती पई कहती एकदम चीसा बंद हो गई जकड़िया पै शरीर अज का जिक्र है सतगुरु बैठे है परे दवान का वचन है कहते परे दवान जी मूड़ी के नाल गुड़ टुटता बुक्कल च नहीं टुटता तो हजूर की मेहर होई वो कहते चीसा बंद हो गई असं फिर ध्यान धरिया चलो मैं कह प्रसाद लो पाठ करया करो हजूर कहते सरदा वाजू एक तीर होर छड जो जाते जाते मैं मेरा कड़ा तीर है बीबी उठ के बह गई गड्डी च मैं तो बहर आसा दी कहते मैं हूँ ही आ जाती है ऐ हो बहर उठ के आ गई पहला इधर न गेड़ा दिता फिर इधर गेड़ा दिता पहला वो माँ तो फड़िया मैं फड़न वाली गल डिगदी नहीं छड़ते हूँ तू तो उन्हें छड़ता गेड़ा दिता एक दो गेड़े दते उन्हें वेख्या भी शरीर ठीक है जब मैं चल चंगा पाठ करया करो कहनी करांगे पाठ तो असं उठ नहीं लगे अस कहते हजूर कहते कोई होर वचन सुना दे सरदा वाजू मैं कह संत आए सी तो तू उन्हें जवाब देता मैं नहीं तेन खैर पाउणी वो कहते नहीं मैं तो कहीं जवाब देता नहीं साढ़े डेरे तो बहुत तो मैं कदे गई नहीं मां संत कहिंदे आ भी मैं मीह पैंदा सी इहने बार ला लिया सी कहिंदे आहो एक संत श्री चंद गद्दी दे ते उत्ते लाउंदे आ लंगर लाउंदे आ धर्म स्थाना ते हजूर साहब ही लाउंदे आ कहिंदी घर दे मनदे मुंदे कहिंदी मैं आख्या मैं नहीं इहनूं मनणा कहते मैनू पता लगे से गाला बहुत दिंदा मैं आख्या साडे बाबा जी तो नहीं गाला देंदे मां गाला नहीं ढिलता मेरी भी कोई नहीं असी माई नूं कहा कहते नहीं बाबा जी वो गाला दिंदा कहते मैं गुस्से च आख्या मैं नहीं इहनूं कुछ देना खनी किन्ना चिर की गल खनी साल दी खनी छे महीने की होऊ मैं चल चंगा तू हुण हथ जोड़ के कह दे बाबा जी जे हजूर साहब वास्ते कुछ जाना होया तो तुहानूं दे दूं मैनूं अज बख्श दो बीबी ने साडे मूहरे कहा जी चंगा महापुरश हो उन्होंने उदों की गल याद कराई साडे मूहरे गुरम प्यारे खड़े से संगत बेगम सज्जन सी पहरे वाले से उन्हें एवें किया जी हाथ जोड़ के गया मैंने बात छोड़ो मैं चल चंगा हुण इहनूं छड्ड दिओ माई ने गेड़ा दिता गड्डी तां तुरी तो गड्डी च आ बैठी मैं घरे जो जावेंगी ना तो तुर के जावेंगी तू दवाई की लोड़ नहीं है ये कला बाबे नानक दी गुरु नानक दे सरूप दे मूहरे बैठण दी जिन्नी पावर है जे दिल्ली जाना तो तड़क्यों प्रकाश करके भी ना गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप दे मूहरे बैठना नाड़ा दे विच सारे शरीर दे विच रम जी हो गई ते दो मिनट ही लगे वेखो किड्डी वड्डी मेहर है मैं आप हैरान हो जाना भी पता नहीं तेरे गुणा का अंत नहीं आता तू पता नहीं की करता तेरी वड्डी वड्याई सच्चे पातशाह अचज चंबे वाली शोभा उहदी इस करके आओ बहुत वड्डी भागा वाली संगत है तारिया जहान बाबे नानक ने गौतम ऋषि ने 20,000 वरे तप किया इंद्र देव तेनू श्राप दिता कुकड़ नू श्राप दिता अपनी लड़की नू बहुत भैड़ा श्राप दिता भैड़ा अपनी लड़की नू घरवाली नू श्राप दिता
ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੱਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗੋਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਤਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅੱਜ ਰਵੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਹੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਹੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰੇਕਾਰ ਸੇ ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਕ ਸੇ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਪਦਹਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਪਾਪੋ ਵਿਸ਼ੋ ਵਿਕਾਰੋਂ ਸੇ ਫਸਾ, ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਅੰਧਾਰ ਮੇਟਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਕੋਗੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ਼ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਖੱਲੜੀ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜਲ ਜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਧੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਦਲਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਫਲ ਚਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੱਡ ਪਊ ਲੈ ਸਟੱਡ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਸ਼ਨਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਵਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲਿਆ ਤਾ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ
पर लोग सहेले नार कर प्रभा पे मिले। बाबा मोर सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। पढ़ो सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वेख मरदाने आ रंग करतार दे, वेख मेरे साधु किवें संगता नु तार दे। मरदाने आ रंग करतार दे, वेख मेरे साधु किवें संगता नु तार दे। वेख मरदाने आ रंग करतार दे, वेख मेरे साधु किवें संगता नु तार दे। वेख मरदाने आ रंग करतार दे, वेख मेरे साधु किवें संगता नु तार दे। संगता नु तार दे, संगता नु तार दे, संगता नु तार दे। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। जन्म के दुख गवायो, जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, हर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, सर्व सुख हर नाम वडाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। आसा महला पंजवा, अपने सेवक किया पेरा सेवक की, तहां तहां उठता सेवक को निकटी होए दिखावा। जो जो कह ठाकुर पर सेवक तत्काल
स सेवक काय हाँ बलिहारी जो अपने प्रभ पावे तैस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवा। श्री वाहेगुरु जी अरदास। मेहरबान सह मेहरबान सह मेरा मेहरबान इको अंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसमी प्रेथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलंगी धर सच्चे पातशाह जी सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय सत श्री अकाल पुरखी का ध्यान धर के खालसा जी साध संगत बोलना जी श्री वाहे गुरु जी। दसां पातशाहियां दे सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहुर कलयुग दे बहुत नाम दे जहाज हलत पलत दे रखियक लोक प्रलोक के सहायक हाजर नाजर तिसके पाठ दर्शन जी का ध्यान करके बोलना जी वाहे गुरु जी। दस पातशाहियां चार साहबजादे पंज प्यारे चाली मुक्ते समूह संतां समूह भगतां समूह सचियारियां प्यारियां सिदकवाना ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸਰਬ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਰਾਜ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਬਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ ਜਨ ਮਰਦਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਦਿ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮੈਂ ਸਮਾਨੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸਹਿਬੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਔਖੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਬਿਰਧ ਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਂ ਲਾਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਵੇਖ ਵਟਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨੰਦ ਕਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ
तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीमा तन मन थीवै हरिया। तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक दियां संगतां जपो सत नाम सत नाम सत नाम जी। वाहेगुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।